खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद कैसी होगी आपकी यात्रा। इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट की। फ्लाइट प्रोटोकॉल में लगातार तब्दीली हो रही है और आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में हम नया प्रोटोकॉल देख सकते हैं। घरेलू उड़ानों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तुलना में कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अपना अपना प्रोटोकॉल होगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर दिल्ली से कोई सवारी ऐसे राज्य में जाती है जहां कोरोना का संक्रमण उतना नहीं है, तो फिर उसके लिए नियम सख्त होंगे। हो सकता है कि 14 दिनों का क्वारंटीन लॉकडाउन खत्म होने के महीनों बाद भी जारी रहे। आने वाले महीनों में हवाई जहाज के अंदर सभी सवारियों के लिए चेहरा ढककर रखना अनिवार्य होने वाला है। केबिन और कैटरिंग सर्विस में भी हम कटौती देख सकते हैं ताकि सवारी और क्रू मेंबर कम से कम संपर्क में आए। एयरलाइन कंपनियों को अल्ट्रा वायलेट तकनीक की मदद से उड़ान से पहले एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करने संबंधी निर्देश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय के कुछ सूत्रों का कहना है कि वे सवारियों और क्रू मेंबर के लिए अनिवार्य तौर पर चेहरा ढक कर रखने के निर्देश देने पर विचार कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेल यात्रा की। ट्रेन में सफर करना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो सकता है। रेल मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि भविष्य में एक डिब्बे में और फिर साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पर भी सीमित संख्या में सवारियों की इजाजत होगी, ताकि पर्याप्त रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। ज्यादातर ट्रेनों में 3 टायर वाले स्लीपर्स होते हैं, इसलिए बीच वाली सीट हटाई जा रही है ताकि यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी बरती जा सके। डिब्बों की अंदरूनी बनावट में इस तरह की तब्दीली लाई जा रही है कि सवारियों को ये पता चल जाएगा कि शौचालय खाली है कि नहीं और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पेंट्री कार जहां खाना पकता है उसकी सेवा जारी रहेगी या नहीं। अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो सिर्फ पानी और पैकिंग में उपलब्ध खाना ही देना जारी रखेंगे। दोस्तों, हम उस पुराने वक्त में वापस पहुंच सकते हैं जब यात्री घर से खुद के लिए तकिए और चादर लेकर चला करते थे। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह ही हो जाएंगे। एयरपोर्ट की तरह घर भी उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा। स्क्रीनिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जैसा एयरपोर्ट पर होता है। हालांकि रेलवे शौचालय के बाद सैनिटाइजर उपलब्ध कराएगी, लेकिन सैनिटाइजर आपको अपने साथ लेकर चलना भी अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं राजमार्गों की। राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में कोने कोने तक सामान की सप्लाई पहुंचाने और अंतर्राज्यीय आवागमन में अहम भूमिका है। इन राजमार्गों के किनारे बने ढाबों का कभी बहुत क्रेज हुआ करता था। यहाँ तक कि महानगरों में रहने वाले लोग भी इसे लेकर जबरदस्त क्रेजी थे। रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य बताते हैं कि आने वाले दिनों में लोग ढाबों के बाहर खाट लगाकर मस्ती से वक्त गुजारने के बारे में अब नहीं सोच पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कई तरह की पाबंदियां बरकरार रखनी होंगी और कोशिश करनी होगी कि कम से कम लोग संपर्क में आएं। हो सकता है कि आपने एक कप चाय का ऑर्डर दिया और किसी वेटर के पहुंचने के बजाय एक लंबे लकड़ी के सहारे आपको चाय सर्व की जाए। राजमार्गों पर जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली है। ढाबा मालिकों को ट्रक ड्राइवरों और स्टाफ के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अलग से कुछ बंदोबस्त करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं महानगरों की जिंदगी की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता हैं, वो बताते हैं कि मेट्रो सेवा फिर से बहाल होने की स्थिति में किस तरह से काम करेगी। वो इसकी योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक सीट छोड़कर बैठने के लिए अब लोगों से कहा जाएगा और कुछ लोगों को खड़े खड़े सफर करने को कहा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मेट्रो के अधिकारियों को दफ्तर जाने वाले वक्त में भीड़ से निपटना होगा। मेट्रो के प्रवेश में भी उसी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जैसे एयरपोर्ट पर करना होता है। अंदर जाते वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और एक्सरे बैगेज स्क्रीनिंग जारी रहेगी। हालांकि इन बदलावों की वजह से मेट्रो में डिब्बों की संख्या और उनकी आवाजाही की निरंतरता बढ़ानी होगी। अब बात करते हैं यात्रा बीमा की। दुबई के इंश्योरेंस बिजनेस ग्रुप के एक महासचिव हैं, वो बताते हैं कि यात्रा बीमा आने वाले वक्त में यात्राओं का एक हिस्सा होगी। वो कहते हैं कि कोरोना के बाद की दुनिया बहुत बदली हुई होगी। आमतौर पर पैसे बचाने के लिए टिकट खरीदते वक्त लोग यात्रा बीमा के विकल्प का चयन नहीं करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये किसी भी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रही है, फिर चाहे आप काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हों या छुट्टियां बिताने। आमतौर पर यात्रा बीमा के अंतर्गत महामारियों को कवर नहीं किया जाता, इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। लेकिन इसके अधिकारी बताते हैं कि जल्द ही महामारी का कवरेज भविष्य में होने वाली यात्रा बीमारियों का
अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। तो ये था एक ऐसा वीडियो कि कोरोना के बाद की लाइफ कैसी होगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगर वैक्सीन खोज लिया गया तो फिर से हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाएगी। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।